पर प्रतिबंध लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, बेघर लोगों के वैक्सीनेशन पर जारी किया नोटिस। 20 महीने बाद भी नहीं बने सीए के नियम, गृह मंत्रालय ने मांगा 6 महीने का वक्त। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर योगी सरकार हुई सख्त, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दी चेतावनी, एम्बुलेंस न मिलने पर हुई मौत तो होगी एफआईआर। अलीगढ़ में आजम खां की रिहाई के लिए प्रदर्शन, एएमयू के छात्रों ने निकाला इंसाफ मार्च। शाहजहांपुर में किसान पर तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हम गीति लेकर हाजिर उत्तर प्रदेश की खास खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजम खां की रिहाई के लिए छात्रों ने आवाज उठाई है। छात्रों ने डक पॉइंट से लेकर बॉबे सैयद गेट तक नारेबाजी करते हुए रिहाई के लिए मार्च निकाला। बता दें कि छात्रों ने यूपी सरकार पर जुल्म किए जाने का आरोप लगाते हुए आजम खां को रिहा करने की मांग की है। एएमयू छात्रों ने कहा है कि आजम खां को जेल में बुरे हालात में रखा गया जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। छात्रों ने आजम खां की रिहाई के लिए सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पूर्व छात्र कुंवर अखलाक मोहम्मद ने कहा कि बहुत अफसोसजनक है कि आजम खान जो कई बार विधायक, सांसद और कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं, उन्हें फर्जी आरोपों में गिरफ्तार करके कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है जो एड्रेस किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें जो यूपी के फार्मर मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान साहब हैं उनकी रिहाई के लिए एक डिमांड किया है। जो मेन डिमांड है वो यही है कि उनको जो जो उनके खिलाफ़ मुकदमात हैं उस मुकदमात के तहत जो वो जेल में इस वक्त पर हैं सीतापुर जेल में, और उनकी जो सेहत की पोजीशन वो बहुत ख़राब हो रही है दिन ब दिन, लिहाजा लड़कों ने इस बात के लिए डिमांड किया है कि वो हमारे ओल्ड बॉय भी रहे हैं, यहाँ यूनियन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, यूपी के मिनिस्टर रहे हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, लिहाजा इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी एक पुरजोर अपील है, डिमांड है कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए जल्द से जल्द। प्रोटेस्ट का जो उद्देश्य था, जो हमारी मांग है, वही आजम खान साहब को रिलीज़ करने के लिए हमने यहाँ डिमांड रखी है, उनको जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए क्योंकि हालात दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी क्या वजह थी, जिस कंडीशन में वो गए थे कंडीशन उनकी अच्छी खासी थी और आज की डेट में उनकी क्या कंडीशन है, सारा हिंदुस्तान उनकी कंडीशन को देख रहा है। और ये जो लड़ाई जो चल रही है ये एक जो है बदले की भावना से आजम खान साहब को परेशान किया जा रहा है, तो मैं इन लोगों से कह देना चाह रहा हूँ जो आजम खान साहब को बदले की भावना से परेशान कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ऊँट किस करवट बैठे ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आपने बदले की भावना से ये किया है तो यकीनन आप याद रखिए जो आज आप आजम खान साहब के लिए साथ ये सब कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये सब आपके साथ होने वाला है। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से खालिक जुड़ चुके हैं। खालिक, आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर अब आवाजें उठने लग गई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने के द्वारा एक प्रोटेस्ट निकाला गया है जिसमें छात्र नेताओं के द्वारा आजम खान की रिहाई की मांग की है। उन छात्र नेताओं के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद व विधायक रह चुके हैं आजम खान, उन्हें फर्जी आरोपों में लगातार जेल में बंद रखा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उनके साथ नहीं खड़ी है, यही कारण है लंबे समय से वो जेल में बंद हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं खोजा जा रहा है। तो क्या साफ तौर पर रास्ता सूझा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से और कोई रास्ता नहीं सूझा गया, तो चुनाव नजदीक है तो ये एक पैतरा अपनाया जाए, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, यही कारण है आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, यही और छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बात छात्र संघ की कही जाए तो छात्र संघ के अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष नदीम अंसारी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जो आजम खान है वो एक नेता ही नहीं एएमयू के एलुमनाई भी रह चुके हैं, साथ ही छात्र संघ के सचिव भी रह चुके हैं, यही कारण है आज उनको लेकर दर्जनों छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। साथ ही एएमयू के जो प्रोफेसर हैं वसीम अली, उनको एक
मेमोरेंडम भी दिया गया है, उसमें साफ तौर पर मांग की गई है अगर जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो छात्र नेता उग्र प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व छात्र कुंवर अखलाक मोहम्मद ने ये बहुत से अफसोसजनक बताया है कि आजम खान को जिस तरह से जेल में रखा गया वहीं पर खुली चुनौती दे दी है कि अगर मांग नहीं पूरी गई की गई और आजम खान को जल्द रिहा नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी के सदस्यता अभियान के चलते आजमगढ़ के दौरे पर हैं। यहां पार्टी कार्यालय पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी पार्टी को नफरत व प्रतिशोध की राजनीति करने वाला बताया। संजय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चंदा चोर पार्टी है और राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी कर रही है, लोग असलियत जानने लगे हैं। कानपुर में जो बकायदा इनसे सावधान रहने के पोस्टर बैनर तर्क लगा दिए गए हैं। आगे संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक महीने में पूरे प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को लेकर निकली है और यहां की जनता को तय करना है कि वो स्कूल हॉस्पिटल फ्री बिजली पानी देने वाली को चुनती है या फिर किसी और को। आज सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ और बलिया जा रहा हूं। इस पूरे अभियान के तहत 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य हम लोगों ने बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता को बताने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को नरक बनाने का काम किया है। कानून व्यवस्था इतनी बदतर है कि 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। व्यापारी की SSP रंगदारी मांग के हत्या करा देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसा कांड होता है। उत्तर प्रदेश में आज हालत ये है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों का शिक्षक भर्ती में आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। उसके लिए वो लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियाँ भाजी जाती है। एक प्रतिशोध और नफरत की राजनीति के बुनियाद पर आदित्यनाथ जी अपना शासन चला रहे हैं, जहां पर खुशी दुबे 4 महिलाओं के साथ और 1 बच्चे के साथ पिछले 1 साल से जेल में सड़ रही है। तो ये हम लोगों को समझना होगा और बताना होगा कि ये चंदा चोर पार्टी है, इसको इस बार मिलके हम। करगिल युद्ध के 22 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज भी एक शहीद परिवार ऐसा है जिनके साथ किए गए वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। मैनपुरी के रहने वाले शहीद के परिवार का कहना है कि तत्कालीन सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कोई भी सरकारी नुमाइंदा उनका हाल जानने आज भी नहीं आता। करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों का कहना है कि आज तक उनके किसी भी सदस्य को नियमानुसार सरकारी नौकरी नहीं दी गई। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को कोई तवज्जो नहीं देता है। यहां तक कि जिला प्रशासन को जानकारी देने पर भी जिला प्रशासन ने उनकी बात को नहीं सुना। परिवार का कहना है कि उनके वादों को पूरा करने की उन्हें आज भी दरकार है। देखिए, जब पापा शहीद हुए थे हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमें तो इतनी कोई जानकारी भी नहीं है। हमारी माताओं ने हमें पढ़ा के बड़ा किया, इस लाइक बनाया कि हम सरकार से क्या अपेक्षा रखें क्योंकि बातें तो पूरे कुछ हुए नहीं है। तो जो भी है, हमारी माताओं ने, हमारी जो परिजन थे मतलब, तो उन्होंने हमारी जो मदद करके जो हमें बड़ा किया है, जो भी है आज हम अपने बलबूते में हैं। सरकार ने कोई मदद नहीं करी, नहीं सब भूल चुके हैं। कोई आज की डेट में हम भी जाते हैं तो हमें पहचानते तक नहीं है। जो जनरल पब्लिक के लिए जैसे ये होता है वैसे ही हमारे साथ भी होता है, कोई अलग से वो नहीं है। भाई, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुनीष जुड़ चुके हैं। मुनीष, कौन सी वो वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए और क्यों अभी तक जो शहीद के परिजन है वो अभी भी दर दर भटक रहे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो मैनपुरी में शहीद हुए थे अमरुद्दीन और बाकी भी शहीद 5 शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, तो मांगों में मुख्यतः 2 मांगें प्रमुख हैं उनकी। पहला तो ये सरकार द्वारा ये वादा किया गया था कि परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, वो नहीं मिली है। दूसरा, सरकार द्वारा उन्हें उपेक्षा प्राप्त होती है, जैसे कि किसी कार्य से जाते हैं तो कोई उनकी सुनता नहीं, कोई पहचानता नहीं, वो सम्मान नहीं देता है। बाकी का उनको पेट्रोल पंप और बच्चों की पढ़ाई का जो भी सरकार ने वादा किया था वो तो पूरा हो चुका है, बस उनका यही है कि परिवार के सदस्यों को ये सर्विस नहीं मिली है, ये उनका प्रमुख मांग है। क्या
इसको लेकर उन्होंने किसी को कोई पत्र दिया है या ये जो परेशानी वो झेल रहे हैं नौकरी ना मिलने की, क्या इसको लेकर किसी अधिकारी को अवगत कराया गया है? जी अभी अधिकारी को नहीं अवगत कराया गया, क्योंकि कल ये उनका बलिदान दिवस था तो इसलिए उन्होंने मीडिया में ये बोल दिया, लेकिन किसी को अवगत नहीं कराया है। लेकिन इस मामले को मैं स्वयं उठाऊंगा और उनको न्याय दिलवाऊंगा। जो भी मांगे हैं वो उनकी मेरी सबसे कोशिश रहेगी कि उनको पूर्ण न्याय दिया जाए। प्राइम टीवी हर बार ये कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो पीड़ित होते हैं, और खास तौर पर जब किसी शहीद के परिवार वालों के मुख से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो बेहद दर्दनाक और संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि क्या हमारे शहीदों के परिवार वालों को इतना भी हक नहीं कि उनको जो वादे किए जाते हैं वो भी पूरे किए जाए? और साल भी बीत चुके हैं कारगिल युद्ध को, उसके बावजूद आज भी लोग उन वादों के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनपुरी में जागीर चौराहे पर श्री राम क्लिनिक का डॉक्टर सचिन बंसल ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डायरेक्टर जितेंद्र यादव ने क्षेत्र के क्लिनिक को अलग पहचान बनाने की कमान की। उन्होंने कहा मरीजों को सेवा भाव से कम पैसों में इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर सचिन बंसल ने कहा कि गरीबों और पीड़ितों को क्लिनिक में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और कहा कि यहां के सभी क्षेत्रवासियों को सभी मेडिकल सुविधाएं मिले, क्षेत्रवासियों को जितनी भी सुविधा मिल सकेगी देने की कोशिश की जाएगी। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा क्लिनिक ना होने के कारण मरीजों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आज मैं इस भव्य उद्घाटन के लिए जिस क्लिनिक का ओपनिंग के लिए आया हुआ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को मेडिकल सुविधा मिले, तो ये सोचकर मैंने यहाँ पर एक हफ्ते में एक दिन ओपीडी भी स्टार्ट करने के लिए सोचा है। और यहाँ पर जितना भी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से जितना भी मेरे से बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कोविड वैक्सीन को लेकर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन लगाने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ, जिसमें डॉक्टरों के साथ भी ग्रामीणों ने मारपीट की है। बलिया का ये वीडियो है। बुलंदशहर में महंगाई को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जिला अध्यक्ष सर्वेश राणा ने कहा कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार गरीब जनता को मार रही है। पेट्रोल व डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। गैस के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसका सरकार की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। गरीब जनता परेशान हो रही है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना को चलाया जा रहा है और इस योजना के तहत कुशीनगर के इलाकों को विकसित करने की भी योजना चलाई जा रही है। लेकिन यहां पर काम के नाम पर सरकारी पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। इस मामले में लोगों का आरोप है कि सरकारी पैसों का जिस तरह से बंदरबांट किया जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है और प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में मकान की कच्ची दीवार गिरने से लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद लड़की के परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजनगरी आगरा के थाना एतमादुल्ला में 1.5 साल का बच्चा खेलता हुआ पानी से भरी बाल्टी में डूब गया। इसके बाद बच्चे की मां उसे ढूंढने के लिए निकली और पानी की बाल्टी में बच्चे को देखकर आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद महिला ने ससुराल वालों पर बच्चे को मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
शाहजहांपुर के पुआया थाना क्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। खेत में धान की खड़ी फसल की सिंचाई करते हुए एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इसी के साथ तेंदुए ने पालतू जानवरों पर भी हमला किया। किसान पर हुए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। इसके बाद आसपास के तमाम ग्रामीण ने मामले की जानकारी खुटार रेंज के वन कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे वनकर्मी को ग्रामीण ने जमकर खरी खोटी भी सुनाई। फिलहाल वनकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों को शांत करते हुए बताया कि तेंदुए के वापस जाने के निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल वनकर्मी तेंदुए को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। क्या अब पानी में नक्का मोड़ने जा रहे थे, कुत्ता मेरे साथ ही था जी। जो हम नक्का काटने गए, नक्का भी नहीं हमने काट पाए, कुत्ता हमसे चार कदम आगे निकला, उसने कुत्ते पे हमला करा। मौके पे हम थे, हमने देखा अपनी आंख से, पेंजड़ दिखाई, सब काम किए, फिर फोन किए, फोन कर रहे सुबह से, कोई भी उत्तरी नहीं मिल रहा। वन विभाग ने क्या कहा जब आपने फोन किया? वन विभाग का फोन किया उनने। आजमगढ़ के ऑफिस आसिफगंज इलाके में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें काफी ज्यादा तेज थी, देखते ही देखते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियां ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं मामले में कुछ दुकानदारों में मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। दुकानदारों का मानना है कि मकान मालिक ने ही आग लगवाई है। आप देख रहे हैं जहां पर भीषण आग की खबर सामने आई है, कपड़े की दुकान में आग लगी। ये आग हमारे जो मकान मालकिन है उसको नाटक करती है खाली दिखाने के लिए। वो कहती है हमसे खाली करो, हमारा 25 तक का एग्रीमेंट है, अब वो हमसे कह रही है कि खाली करो, हमारा कम से कम 20-25 लाख का उसमें माल है। क्या नाम है, क्या नाम है उनका? आग उसने लगाई है, ये आग वही लगाई है। और बगल वाले के बताइए, बगल वाले की गलती है कि नहीं? उसकी दुकान क्यों खोल के अंदर से दिया जाने के लिए छत पर से? किसी की दुकान भरी हो तो बगल वाले कहेंगे कि जाइए आप अंदर से, हमारी दुकान के अंदर चाहिए, बगल वाले की क्यों चाहिए? यहाँ मामला ये हुआ है कि मकान मालिक जो है वो सुबह आई है, आने के बाद बगल में मुर्गे वाली दुकान पे, करीम मुर्गा वाले, वहाँ पे जो आकर के बोले कि हमारा मोबाइल जो है घर में चला गया है, तो उनका अभी खिलाफ लगना है, उनका और इनका बारजा दोनों एक है। तो उस पर चढ़ के गई अंदर, अंदर जाने के बाद वो क्या किए हैं, कैसे किए हैं, बाहर से ताला बंद था, अंदर के भी वो दोनों ताला बंद कर दिए हैं। उसके बाद अंदर आग आग लगा दी। जब हम लोगों ने देखा है धुआं हुआ निकलना, तो हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किया गया है। फोन कर फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।